लिब्रा, वेलकम टू गुरुवाणी द टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस फर्स्ट वीक में। मैसेजेस फॉर लिब्रा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। द मून, Ace of Wands, Seven of Cups, Four of Cups, and the Lovers. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड है द मून का। द मून के कार्ड के साथ आपका मन इस वीक में बहुत चंचल रह सकता है, एंड आपके पर्सन का भी, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप दोनों ही इस वीक में रोमांस के मूड में रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारा लव दिखाई दे रहा है, बहुत सारा अफेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीजें आपके लिए इस लव के बाद ही आती हैं। इस वीक में आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग होंगी, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत डीप हैं, और द लवर्स के साथ इससे ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। एंड फोर ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही इनके अदर हाफ हैं, आप ही इनके फ्यूचर स्पाउस हैं, और आप में ये खुद को देखते हैं, आप इनकी रिफ्लेक्शन हैं। एंड ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत एक्साइटेड है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो टेम्पररी है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ओके, इस रिलेशनशिप में ये फेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, जब आप एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं सिर्फ, और कुछ सोचने के लिए नहीं है। इनफैक्ट है भी तो परवाह किसे है। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से एक दूसरे में लॉस्ट हैं, बट शायद आपके मन में ये डाउट आए कभी कि क्या ये हमेशा ही ऐसा रहने वाला है, या ये पर्सन क्या चेंज हो जाएगा बाद में। ये एक ऐसा फेज होगा जो आप नहीं चाहेंगे कि कभी भी ओवर हो, और आप चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो गिफ्ट है ये आपको हमेशा के लिए मिला है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यूनिवर्स ने आपको इस लव से ब्लेस किया है। आपके पार्टनर का जो प्यार है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, एंड आपको किसी बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं आपके अंदर जो बाहर आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को इतना अटेंशन दे रहे हैं, इस पर्सन को इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, और पता नहीं बाद में आगे क्या होगा, क्या ये पर्सन बदल जाएगा या फिर आपको हर्ट करेगा। ये आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है, पर सेवन ऑफ कप्स, कुछ चीजें सरफेस पे आएंगी। शायद अभी तक आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे। इनफैक्ट सेवन ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब कुछ रियल नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा परफेक्ट है, ये पर्सन बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लग रहा है, बहुत ज्यादा लॉयल लग रहा है, एंड लविंग एंड केयरिंग लग रहा है, पर क्या ये सच है, क्या ये भरोसे के लायक है, क्या ये पर्सन आपको हमेशा इसी तरीके से अटेंशन देता रहेगा, इसी तरीके से आपकी केयर करता रहेगा। तो यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स ये कह रहा है आपसे कि जो आप देख रहे हैं वो ट्रू है। इनफैक्ट इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए आपको, इफ एंड बट्स को पीछे छोड़ के, क्योंकि ये वक्त नहीं है डाउट करने का। ये आपके इमोशंस जो है इस वक्त
बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के ही, एंड इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आप इस वीक में एक दूसरे को बहुत ज्यादा फील कर पाएंगे एनर्जेटिकली, एंड ये चीज यहाँ रहने वाली है अभी, तो आपको इसके लिए इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कप्स है, तो हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है, एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हायरोफेंट, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पुरानी बातों को याद कर रहा है, ये पर्सन आपकी और अपनी फोटोज को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड काफी समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपने इस तरह की कोई इमोशनल बॉन्डिंग फील नहीं की थी। हो सकता है कि काफी समय से आपको लग रहा था कि आपका रिलेशनशिप स्टैगनेंट हो गया है, एक जगह पे स्टेबल हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या यहाँ पे लैक ऑफ कनेक्शन है। वो सारी चीजें आपका वहम थी, क्योंकि ये सेवन ऑफ कप्स के साथ है, तो ये पर्सन आपको अभी भी मिस कर रहा है, एंड ये पर्सन आपकी वैल्यू को अच्छी तरह से समझ चुका है। द एम्प्रेस के साथ इस पर्सन को पता है कि आपने हमेशा उनको खुद से भी ज्यादा प्रायोरिटी दी है, खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और हर कोई द एम्प्रेस नहीं होता। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है। द हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। हायरोफेंट के कार्ड के साथ विस्टम आपका इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद आप ये नहीं समझ पा रहे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, हालांकि आप इसमें खींचे जरूर चले जा रहे हैं, पर शायद अभी भी आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको फैसला क्या करना चाहिए। हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि आप वाइज हैं, आप स्मार्ट हैं, आपको पता है कि आपको क्या चूज करना है। अपने विजडम को यूज कीजिए, अपने इंट्यूशन को यूज कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका पर्सन आपके लिए अब कुछ भी करने को तैयार है, यानी कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हर कोशिश करेगा। और फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के सामने कुछ चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं। फाइनेंशियली हो सकता है किसी पर डिपेंडेंट हो इस वक्त, और इसीलिए किसी को अपसेट नहीं करना चाहते, पर वो फेज ओवर हो चुका है। अब ये पर्सन समझ चुका है कि उन्हें अपने फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ेगा, उन्हें अपनी चॉइसेस को चूज करने के लिए स्ट्रेंथ दिखानी होगी, और इसीलिए ये पर्सन अब हर हालात से जूझने को तैयार है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। रामा, वेयर आर यू बींग कॉल्ड टू जर्नी टू? आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी आप फील कर रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। आपको जिस डायरेक्शन में बढ़ने का मन कर रहा है आप उस डायरेक्शन में बढ़िए, क्योंकि आपका जो मन है
वो एक तरीके से यूनिवर्स का मैसेंजर है और वो आपको इंट्यूटिवली ये बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए एंड आपके लिए क्या सही है. ओके, तो ये रीडिंग है मई के फर्स्ट वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.